वेलकम टू मैजिकल हैंड। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाइए और लेटेस्ट बैग डिजाइन देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैजिकल हैंड। आज मैं आपके लिए इस वीडियो में लेके आई हूँ ये ट्रैवलिंग बैग। ये ट्रैवलिंग बैग में एक यहाँ पे बड़ा पॉकेट है जिसमें हमें बहुत सा स्पेस मिलेगा, ये देखिए। और यहाँ पे हमने एक छोटा पॉकेट भी डाला है, यहाँ पे अंदर कोई हमारा कीमती सामान रखना है तो उसके लिए। इसके सिवा हमें साइड में दो पॉकेट मिलेंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। और हमने यहाँ पे एक आगे भी पॉकेट डाला है, ये देखिए, ये भी पॉकेट अच्छा बड़ा है। तो ये बैग बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, तो सबसे पहले इसमें जो मैंने मटेरियल यूज किया है वो कॉटन का किया है। आप कोई भी मटेरियल यूज कर सकते हैं। और जो फैब्रिक इसमें लगा है 1 मीटर लगा है, 1 मीटर से थोड़ा कम चाहिए लेकिन हमें 1 मीटर लेना है। और इसके अंदर जो मैंने नॉन वुवन डाला है, बहुत से लोग हमें कमेंट करते हैं कि ये हमें नहीं मिल रहा, तो आपके पास अगर अवेलेबल नहीं है ये, तो आप इसके बदले में कोई सख्त मटेरियल यूज कर सकते हैं, कॉटन का कपड़ा या कोई और कुछ भी इसमें अस्तर यूज कर सकते हैं। लेकिन फोम बीच में यूज करना बहुत जरूरी है। फोम की वजह से ये बैग एकदम ऐसा फूला फूला दिखेगा और ये जो कपड़ा है हमारा एकदम से खराब नहीं होगा। ये कपड़े को और नॉन वुमेन से ये एकदम मजबूती इसकी बढ़ जाती है और ये बैग की जो लुक है वो भी अच्छी रहती है। तो आप नॉन वुमेन की जगह पे कुछ और यूज कर सकते हैं, लेकिन फोम यूज करना बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, ये ट्रैवलिंग बैग का कटिंग हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए 38x18 इंच का एक पार्ट्स, जो इस तरह से मैंने इसमें चेक्स कर लिया है। इसमें बीच में हमने ये फॉर्म डाला है, यहाँ पे ऊपर नॉन वुवन है और नीचे जो हमें फैब्रिक लेना है, ये फैब्रिक मैंने कॉटन का लिया है। ये फैब्रिक आप कोई भी ले सकते हैं अपनी पसंद के हिसाब से, कॉटन का या फिर सिंथेटिक या और कोई जींस, ऐसा कोई भी हार्ड मटेरियल जो आपको पसंद है वो आप फैब्रिक ले सकते हैं। तो ये मैंने चेक करके रेडी कर लिया है, पहले चेक्स करके बाद में मैंने 38x18 इंच का शेप दे दिया है पूरा इसको। तो ये हमारा 38x18 इंच का एक सबसे बड़ा पार्ट्स चाहिए। उसके बाद हमें चाहिए ये 9x9.5 इंच के ऐसे दो पार्ट्स, और नॉन वोवन भी उसी के नाप से हमें दो चाहिए क्योंकि हम यहाँ पे इसमें पॉकेट बनाएंगे तो नीचे नॉन वोवन डालना है, तो दो पार्ट्स हमें नॉन वोवन के चाहिए। और एक अंदर सीक्रेट पॉकेट बनाएंगे जिसका नाप है 7x7 इंच, जिसके लिए हमें एक ऐसा छोटा पार्ट चाहिए 7x7 इंच का। और आगे पॉकेट बनाने के लिए 17x8 इंच का ये एक पार्ट हमें चाहिए। और जिप चाहिए होगी हमें 5, ये 14 इंच का ये आगे के पार्ट्स के लिए, और ये 9 इंच की दो जिप चाहिए, और एक ये 7 इंच की और एक जिप चाहिए जिसका नाप मैं बैग बनाते वक्त आपको बता दूंगी। तकरीबन वो हमें 13 इंच से कम चाहिए, 20 इंच। और हमें एक ब्लैक पाइपिंग चाहिए जो उसमें हम जिप के बाजू में लगाएंगे। और हमें ऐसा बेल्ट चाहिए ब्लैक, ये बाजार में रेडी मिलता है ऐसा। और इसके सिवा आप घर पे कपड़े का भी ऐसा जो हम हैंडल बनाते हैं बैग का, वैसे ही इसे फोल्ड करके, ये फैब्रिक को फोल्ड करके ऐसा बेल्ट भी बना के यूज कर सकते हैं। ये मैंने रेडी बेल्ट लिया है, तो ये बेल्ट हमें 3.5 मीटर चाहिए। और हमारे जिप के लिए हमें रनर चाहिए होंगे 6, जो मैंने 5 ये हैवी रनर लिए हैं और ये मैंने अंदर के पॉकेट के लिए एक सिंपल रनर लिया है। तो हमने कटिंग देख लिया, अब स्टार्ट करते हैं स्टिच कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें ये जो हमारा 38 इंच का ऐसा लंबा पार्ट से उसके हमें 4 डिवाइड करने हैं। तो मैंने यहाँ पे मार्क किया है 9.5 इंच पे, ये मैंने यहाँ से 9.5 इंच पे ये मार्क किया है। तो ये मार्क करने के बाद हमें यहाँ से ऐसे और मार्क करना है, यहाँ से 2 इंच छोड़ के हमें मार्क करना है। ये हमने 2 इंच पे मार्क कर दिया है, यहाँ से 2 इंच और यहाँ से 2 इंच पे, ये हमने यहाँ से सीधा मार्क कर लिया है। अब हमें ये जो मार्क किया है वहां पे कट कर लेना है, ये यहाँ से हम कट करेंगे
हमें यहां से ऐसे क्रॉस कट कर लेना है, यहां पे भी क्रॉस कट करेंगे। तो जो जहां पे हमने मार्क किया था वहां से हमने ये कट कर लिया है। तो अब हमें जो मैंने आपको नाप नहीं बताया था उसके लिए जिप सबसे पहले हमें नाप लेना है। तो यहां पे जहां से हमारी जिप लगाना स्टार्ट होगा वहां पे हमें जिप रखना है। ये मैंने जिप यहां पे रखा है, थोड़ा सा हाफ इंच हमें एक्स्ट्रा रखना है ताकि वो स्टिच के बाहर एक्स्ट्रा रहे। तो यहां से हम ये नाप लेंगे और यहां पे हमें पूरे राउंड में ऐसे नाप ले लेना है। और यहां पे भी हम हाफ इंच थोड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे और बाकी हमें कट कर लेना है। मैं थोड़ा सा एक इंच यहां पे एक्स्ट्रा रख रही हूं ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। अब हमें इसमें रनर डालना है, तो एक रनर हम इस साइड से डालेंगे और एक रनर हम इस साइड से, तो दो रनर हमें इस जिप में डालना है। रनर डालने के लिए हम पहले इसे ओपन करेंगे, पहले एक साइड से पुश करना है, बाद में ये सेकंड साइड भी अंदर पुश कर देना है। तो दोनों एकदम सेम सीधे ही अंदर जाने चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हमने रनर डाल दिया, अब यहाँ पे भी डाल देंगे। ये हमारे दोनों रनर आ गए हैं। अब हमें जिप लगाना स्टार्ट करना है, तो हमें जिप को यहाँ पे रखना है, ये जो हमारा पार्ट है जहाँ पे हमने कट किया था, और जो हमने क्रॉस कट किया था उसे हम ऐसे फोल्ड करेंगे यहाँ पे और फिर जिप को इसके नीचे सेंटर में रखना है। जो हमने एक्स्ट्रा कट किया है उसे हम आगे छोड़ देंगे। अब हमें यहां से स्टिच करना स्टार्ट करना है, तो अब हमें यहाँ पे जिप को रखना है बीच में सेंटर में और स्टिच करना स्टार्ट करना है। स्टिच कर लिया, अब हमें फोल्ड कर यहाँ से रिटर्न ऐसे वापस ऐसे रिटर्न होके स्टिच करना है। हमें यहाँ पे भी स्टिच कर लेना है, यहाँ पे अंदर फोल्ड करना है जो हमने क्रॉस कट किया था वो।
हमारा जिप अटैच हो गया यहाँ पे और ये हमारे दो रनर भी यहाँ पे आ गए हैं। अब हमें बाकी दूसरे पार्ट्स लेना है और यहाँ पे हम चाहे तो एक ब्लैक पाइपिंग करके थोड़ा डेकोरेशन कर सकते हैं। ये हमारा ये जहाँ पे हमने जिप लगाया है वहां पे सेंटर में ऐसे सीधे पट्टी को रखना है। ये हम ज्यादा है तो कट कर देंगे। ये यहाँ पे हमारा ऊपर का ये पार्ट्स रेडी हो गया है। अब हमें जो साइड के हमने पॉकेट बनाए उसे लेना है। ये हमारा 14 इंचेस का जिप है तो ये पार्ट्स को हमें ऐसे प्लेट लेना है यहाँ पे और एक प्लेट लेंगे हम यहाँ पे। ये 1.5 इंचेस का हम प्लेट लेंगे यहाँ पे और यहाँ पे भी लेंगे। ये यहाँ पे हमने ऐसे एक प्लेट ले लिया है। अब हमें ये हमने दूसरा प्लेट यहाँ पे ले लिया। ये दोनों प्लेट हमने ऐसे अपोजिट साइड लिया है, एक साइड नहीं लेना है, दोनों को अपोजिट साइड लेना है। तो यहाँ पे हमें ऐसे प्लेट लेना है। यहाँ पे भी हमने ऐसे प्लेट ले लिया है, इसे हम स्टिच कर लेंगे। अब हमें यहाँ पे जिप अटैच करना है। ये हमारा 14 इंचेस का जिप, यहाँ पे हम उल्टा अटैच करेंगे। इसे हम ऐसे सीधा फोल्ड करेंगे। और अब यहाँ पे ऊपर भी हमें स्टिच कर लेना है। जो एक्स्ट्रा है इसे हम कट कर देंगे। अब इसमें हमें रनर डालना है। अब यहाँ पे पूरे राउंड में ऊपर हमें ब्लैक कलर का पाइपिंग अटैच कर लेना है। ये पाइपिंग मेरे पास है तो इसे हम पहले जॉइंट कर देंगे। हम इसे यहाँ से अटैच करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे हम थोड़ा सा फोल्ड कर देंगे। ये यहाँ पे
थोड़ा सा फोल्ड करना है, फिर हम स्टिच स्टार्ट करेंगे। ये पूरे राउंड में हमने पाइपिंग यहाँ पे अटैच, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ये फ्रेश स्टिच हो जाएगा ऊपर, तो ये ऐसे ऊपर नहीं रहेगा, ये दब जाएगा। ये यहाँ पे हमने ऊपर पूरे राउंड में स्टिच कर दिया है, जिससे ये हमारा एकदम दब गया है। अब हमें इसे ऐसे सीधा रखना है। अब हमें पहले हैंगर लेना है और हैंगर को हमें यहाँ पे अटैच कर लेना है और देखना है कि बीच में ये आंटी ना पड़ जाए। तो अब यहाँ पे हमें स्टिच कर लेना है। अब हमें हैंगर लगाना है, तो ये मैंने ये जो ऊपर का पार्ट से हमारा वहां पे ये यहाँ पे 4 इंच की जगह छोड़ पे मार्क किया है और यहाँ पे भी 4 इंच छोड़ के मार्क किया है। इसी तरह से मैंने यहाँ पे आगे भी ये 4 इंच पे मार्क कर लिया है दोनों साइड। अब हमें ये जो हमारा हैंगर है, ये हमने जो हैंगर है हमारा वहाँ पे ज्वाइंट लगा दिया है यहाँ पे। अब हमें ये मैंने यहाँ पे ये ऊपर का पार्ट हमारा आएगा, तो ये छोड़ के यहाँ पे 4 इंचेस पे यहाँ से ये 4 इंचेस पे मार्क किया और यहाँ पे भी 4 इंचेस पे मार्क किया है। ऐसे ही मैंने यहाँ पे इस पार्ट्स में भी ये 4 इंच पे मार्क कर दिया है दोनों साइड में। ये हमने 4 इंच पे मार्क कर लिया है। अब हमें यहाँ पे जो हमारा ये नीचे का पार्ट्स आएगा, ये ऊपर का आएगा, ये साइड का होगा और ये नीचे का यहाँ पे हमने मार्क किया था, तो ये जो हमारा जॉइंट है वो हमें यहाँ पे नीचे आए उस तरह से रखना है। ये हम जॉइंट को यहाँ पे रखेंगे, नीचे आएगा। ये हमें 4 इंच का जो मार्क किया है वहां पे हम ये बेल्ट को रखेंगे और यहाँ पे भी 4 इंच के मार्क पे हम बेल्ट को रखेंगे। अब हमें यहाँ पे ऊपर हैंगर नहीं आना चाहिए, तो ये जो ब्लैक लाइन है हमारा उससे 1 इंच नीचे हम हैंगर को अटैच करेंगे यहाँ से। तो यहाँ से अब हम हैंगर लगाना स्टार्ट करते हैं। ये हमने 1 इंच की यहाँ पे जगह छोड़ दी है, यहाँ से हम स्टिच करेंगे। आगे भी हमें यहाँ पे लास्ट में भी 1 इंच छोड़ देना है। यहाँ पे थोड़ा स्टिच में जाएगा तो हम इतना 1.5
5 इंच छोड़ेंगे यहाँ पे। पे ऐसे स्टिच किया और यहाँ पे भी ऐसे स्टिच कर लिया है। ये यहाँ पे हमारा हैंगर एक साइड हमने अटैच कर लिया है। अब हमें ये दोनों साइड सेम रखना है और फिर हम यहाँ पे लगाएंगे हैं दूसरा पार्ट से कि बीच में नोट ना आ जाए, वो हमें देखना है। ये हम ऐसे फोल्ड कर देंगे यहाँ पे। ये ऐसे रखना है और ये दोनों का यहाँ पे जो हैंगर आएगा ये दोनों का माप सेम रहना चाहिए। यहाँ पे हम ऐसे ले लेंगे हमें। यहाँ पे भी हमें 1.5 इंचेस छोड़ के स्टिच करना स्टार्ट करना है। जैसे हमने यहाँ पे स्टिच किया वैसे ही हम यहाँ पे भी स्टिच कर लेंगे। ये हैंगर हमारे अटैच हो गए हैं। अब हमने ये देखिए ये पूरे में ऐसे हैंगर आ गए हमारे। हमने जो आगे का पार्ट्स यहाँ पे पॉकेट बनाया था ये वाला, वो हमें यहाँ पे अटैच कर लेना है। ऊपर से हमें स्टिच की जगह छोड़ के यहाँ पे इसे अटैच कर लेना है। हमने यहाँ पे मार्क किया था जो यहाँ पे फोर पार्ट्स अलग करके जो मार्क किया था उसके सेंटर से हमें इसे अटैच करना है। एकदम बीच में हमें सेंटर देख के इसे अटैच कर लेना है। यहाँ पे पॉकेट अटैच कर लिया है, ये देखिए ये हमारा पॉकेट रेडी हो गया है। ये हमने यहाँ पे प्लेट ली है उस वजह से ये इसमें हम थोड़े ज्यादा सामान रख सकते हैं। अब हमें इसे फोल्ड करना है, ये हैंगर को अंदर रखना है और इसे हम फोल्ड करेंगे यहाँ से और यहाँ से हमें इसे सीधे स्टिच कर लेना है। यहाँ से यहाँ तक हमें स्टिच करना है। ये हमने यहाँ पे स्टिच कर दिया है ऐसे। अब इसे हमें ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे हम स्टिच करेंगे और ये यहाँ पे ऐसे पूरा हमें स्टिच कर लेना है। ये तो ये जिप जो ऐसे ऊपर रह रही है वो नहीं होगी और ऐसे यहाँ पे प्रेस स्टिच हो जाएगा हमारा। ये हमारा यहाँ पे प्रेस स्टिच हो गया है। अब ये जो हमने प्रेस स्टिच ये जो दोनों को जॉइंट किया उससे पहले ही हमें यहाँ पे ये सीक्रेट पॉकेट लगाना था जिसमें मैंने ये जिप लगा के ये 7x7 का जो पार्ट था उसमें जिप लगा के रनर डाल दिया है। ये पहले लगाना था। अब अगर आपसे छूट जाता है तो आप पीछे यहाँ पे इसे रख के ये जो हमारा आगे का पार्ट से ऊपर का ये जिप वाला उसके साइड में हमने यहाँ पे आगे पॉकेट डाला है तो जहाँ पे पॉकेट डाला है उस साइड नहीं लगाना है हमें। ये जो और एक साइड है पीछे की साइड वहां पे हमें इसे ऐसे अंदर की साइड सीधा रखना है। ये हमारा ब्लैक पट्टी यहाँ पे लगाया था तो ये हमारा फोर्थ हिस्सा है। यहाँ पे थर्ड यहाँ हमने मार्क किया था। ये नीचे का हिस्सा आएगा और ये जिप वाला ऊपर का हिस्सा है तो ये साइड का हिस्सा है। वहां पे हम बीच में यहाँ पे सेंटर में रखेंगे और पहले मार्क कर देंगे। अब मैं इसे ऐसे ये बाकी का पार्ट वहां वापस पीछे पुश करके यहाँ पे स्टिच करके इसे अटैच कर लूंगी। ये देखिए
ये मैंने पॉकेट यहाँ पे अटैच कर दिया है। अब इसे हमें सीधा करना है। ये हमारा बैग सीधा हो गया है। इसका लुक कुछ ऐसा दिखेगा। ये हमारा आगे का पार्ट से, ये ऊपर का पार्ट से, ये पीछे का जहाँ पे हमने पॉकेट पीछे से अटैच किया है। तो हमें बहुत ही सावधानी से अटैच करना होगा, क्योंकि जो हमने जो यहाँ पे हैंगर लगा दिया है उसका भी बीच में आ ना जाए वो ख्याल रखना पड़ेगा। तो ये हमारा पार्ट्स रेडी है। अब हमें यहाँ पे साइड में अटैच करने के लिए जो पार्ट्स बनाए हैं वो रेडी करना है। तो अब हमें उसे लेना, हमारा 9x9.5 इंचेस का पार्ट्स लेना है। और वहां पे मैंने जिस साइड से हमारा 9 इंच है, ये 9 इंच है, तो यहाँ पे मैंने मार्क किया है 2.5 इंचेस पे। तो यहाँ पे हमें कट कर देना है 2.5 इंचेस पे। और यहाँ पे अब हमें जिप लगा लेना है हमारा जो 9 इंचेस का था। और इससे पहले हम ये ब्लैक पाइपिंग यहाँ पे बीच में लगाएंगे। इसे हम यहाँ पे अटैच करेंगे। इसे हम ऐसे फोल्ड करेंगे नीचे की साइड और जिप रखेंगे हमारा। और यहाँ पे ऊपर हमें यहाँ से स्टिच कर देना है। ये ऐसे फोल्ड करके जिप के ऊपर रख के इसके ऊपर हमें स्टिच करना है। और इसके ऊपर हमें ये दूसरा पार्ट से उसमें भी पाइपिंग अटैच करके यहाँ पे हमें अटैच कर लेना है। अब इसके अंदर हमें रनर डालना है और उससे पहले हम यहाँ पे स्टिच कर देंगे, तो ये जो ऊपर हो रहा है वो यहाँ पे दब जाएगा। अब हम रनर डाल देंगे इसमें। अब इसके नीचे जो हमने नॉन वोवन का पार्ट्स लिया था इसी के नाप का उसे हमें अटैच करना है। एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर देंगे।
ये हमारा एक पार्ट रेडी हो गया। ऐसे ही मैंने एक और पार्ट रेडी कर लिया है। तो ये हमारे दोनों पार्ट्स रेडी है और यहाँ पे हमारा एक पॉकेट है दोनों साइड जो पॉकेट आएगा। अब इसे हमें ये जो हमारा बैग है पूरा उसके साथ अटैच करना है। ये हमें यहाँ पे अटैच करना है। ये हमारा ऊपर का हिस्सा रहेगा तो ये हमें जो हमारा जिप है वो ऐसे सीधा आना चाहिए। तो हम इसे ऐसे यहाँ पे अटैच करेंगे। यहाँ पे हम ऊपर पाइपिंग करने वाले हैं तो ये पार्ट्स भी सीधा रहना चाहिए और ये पार्ट्स भी सीधा रहना चाहिए। उस तरह से हमें ये जो हमने चारों जगह पे मार्क किया था वो हमें कॉर्नर मिलाने हैं यहाँ पे ऐसे। और यहाँ पे हमें अब स्टिच करना है। ये देखिए ये हमने पार्ट्स यहाँ पे अटैच कर दिया है। यहाँ पे जो हमने यहाँ पे मार्क किया था वो चारों कॉर्नर में आने चाहिए और वैसे ही हमें इस साइड में भी ये हमारा पार्ट्स अटैच कर लेना है। ये हमने दोनों साइड ये दोनों पार्ट्स अटैच कर लिए और यहाँ पे मैंने ऊपर पाइपिंग भी अटैच कर दिया है। तो अभी हमें ये यहाँ पे मैं आपको पाइपिंग अटैच करके दिखाती हूँ। पाइपिंग अटैच करने के लिए ये ब्लैक कलर का पाइपिंग लेना है हमें और इसे इतना सा फोल्ड रखना है हमें। ये नीचे की साइड रखना है फोल्ड जो करेंगे वो ऐसे। हमें यहाँ पे पाइपिंग रखना है और यहाँ पे ऊपर हमें राउंड में स्टिच करते जाना है। ये पूरे राउंड में यहाँ पे स्क्वायर में हम पाइपिंग कर देंगे। तो यहाँ से आप स्टिच करते हैं। हमने यहाँ पे पूरे राउंड में ऐसे पाइपिंग को अटैच कर दिया है। अब इसे हम ऊपर करना है पाइपिंग को। अब हमें इसे यहाँ से स्टिच कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसे ऐसे फोल्ड करना है। और यहाँ पे ऊपर हम स्टिच करेंगे। तो ये हमारा पाइपिंग हो गया है पूरे राउंड में यहाँ पे। तो हमारा ये बैग रेडी है। कहीं पे भी एक्स्ट्रा थ्रेड है तो उसे हम कट कर देंगे। ये देखिए ये हमारा बैग रेडी हो गया है। तो ये ट्रैवलिंग बैग में हमने यहाँ पे एक बड़ा सा पॉकेट बनाया है जो बीच का इसका मेन पॉकेट है। ये देखिए इसमें बहुत सा स्पेस हमें मिल जाएगा और एक हमने सीक्रेट पॉकेट यहाँ पे भी डाल दिया है और एक पॉकेट हमने यहाँ पे आगे बनाया है। ये यहाँ पे हमने ये प्लेट डाली है इसके वजह से ये भी बड़ा पॉकेट बन गया है। और दो पॉकेट हमने यहाँ पे साइड में भी लगाए हैं, एक यहाँ पे और एक
यहाँ पे। तो मेरा ये ट्रैवलिंग बैग आपको बहुत पसंद आया होगा ऐसे उम्मीद करती हूँ, और नए वीडियो के साथ नए बैग के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक मेरे चैनल को आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।